आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है, देखो। सीसी कैमरे के सामने रखकर मार रहा है, वो उन्हें इस तरह से मार रहा है जैसे वो कोई सामान की गोनी हो। सर सर सर, एसपीजी की वाइफ को जानबूझकर ही टारगेट किया है ऐसा लग रहा है मुझे। सर, पुलिस लोग कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, वो ये करके भी बता रहे। देखो ना, देखो, देखिए। तो तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हैं सर, हम खाली सब्जियां उठा रहे हैं सर। भिंडी, बैगन, आलू, टमाटर, धनिया, चिकन, मटन लेकर भी कभी कभार हमें जाना पड़ता है सर। तो किसी के घर में डायपर्स लेकर जाओ, तो किसी का ड्राइवर बनकर जाओ। प्रॉपर पुलिस की ड्यूटी करके तो बहुत दिन हो गए हमें सर। सर, कंप्लेंट लेना छोड़कर हम इनके घर के राशन का हिसाब रखने लगे हैं सर। यहाँ सभी इसी से बहुत परेशान है सर। मैं तो बोल पा रहा हूँ, काफी लोग बोल भी नहीं सकते सर। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ सर। मैं हमाल की तरह कंधे पर कबाड़ उठा कर ले गया हूँ सर। अरे धक्का मत देना, तू धक्का देगा तो उठाना तो मुझे ही है ना। इतने बड़ा कपाट में इतना बड़ा पत्थर रख दिया था। मैंने पूछा ये क्या है सर, बोला जस्ट जॉब। आई कांट डू दिस जॉब। मुझे फोन पर बात करना है सर। थैंक यू। हाँ माँ, घर क्यों नहीं आया? पगली कहीं की, मैं मीटिंग में हूँ, तो फोन करके बकवास कर रही है। बेवकूफ बना रहा है ना? अभी निकलना सर। सर ये सासू माँ है सर, 2.5 रुपए के हिसाब के लिए फोन किया है सर। आज मैं वो भी दे दूंगा सर। अरे ओ दोनों नौटंकियों, एसपी साहब के साथ ड्रामा मत करो, साइड में खड़े हो जाओ। मैं आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ सर, हम कांस्टेबल की जिंदगी बता रहा हूँ सर। ये क्या हरकत है, बच्चों को क्यों डरा रहे हैं सर? मेरे सामने ऐसे बात कर रहे हैं तो पीठ पीछे क्या करते होंगे इसका पता चलता है। कामराज सर, डिसमिस ऑर्डर टाइप करो। यस सर। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना सर, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ सर। आपकी वाइफ को अगर चेन स्नैचर ने मारा है तो मेरी वाइफ को चड्डी मैन ने मारा। चड्डी मैन कौन है? अरे बाप रे, फंस गए। एक वीक का टाइम दीजिए सर, मैं इंक्वायरी करता हूँ। इंक्वायरी नहीं, एनकाउंटर करो। एक वीक में अगर एक भी बचा तो तुम नहीं बचोगे। क्यों सर, क्या सच में एनकाउंटर करेंगे? एनकाउंटर उसका सर, थोड़े दिनों में वो पागल हो जाता है, भूल जाओ। फिर इन बच्चों का क्या? बेचारे बच्चे को उसका बाप बुला रहा है, भेजना तो पड़ेगा ही ना। चलो कुछ करते हैं। ये है उन स्नैचर्स की लिस्ट, इनकी वजह से कई लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। इतने दिनों तक हमने अधिकारियों के घर पर नौकर जैसा काम किया, अब बस हो गया। इस प्रूफ के साथ सिंसियर ड्यूटी करके हम ये साबित करेंगे कि कांस्टेबल भी पुलिस है। जय हिंद। डॉक्टर आकर रिपोर्ट्स चेक कर लेंगे आपकी। वैसे रिपोर्ट सारी ठीक है, आप बैठिए, डॉक्टर आते ही होंगे। ठीक है मैम। क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गए? लव एक्सेप्ट कर लिया तो पीछे पीछे यहाँ तक आ गए? नहीं नहीं। तो मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ। तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो, ये जानने के लिए आया हूँ मैं। ओहो, मुझसे शादी करने वाले इंसान में क्वालिटीज नहीं हो तो भी चलेगा, पर कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और वो मैंने तुम में देखा है। थैंक यू। तो फिर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मेरी? सेल्फ सर्विस के साथ साथ सोशल सर्विस करना जरूरी है। सुपर, ये है तुम्हारी सोशल सर्विस? यस, कम ऑन। हम लोग गरीब हैं, खाने के हमारे वांदे हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, इसको बड़ा करना है, तो हम सबको खाने के लिए कुछ पैसा तुम देना। चेक से, कैश से, कैसे भी पैसे दे 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 दे। पद्मा, दो चेन खींची है 24 कैरेट, मटन लेकर मस्त बिरयानी बना, एक घंटे में आऊंगा मैं। पैसे दे दे। पागल, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में रुक रुक रुक, क्या काम है? दे दे मेरे पैसे तो हम चले जाएंगे। चुनाव का काम तेरा देख लिया। कौन हो तुम लोग? तू है मक्का नहीं करनी बेकार बाबा, पैसे दे दे चले जाएंगे। हाँ हाँ, पैसे दे दे चले जाएंगे। अरे छोड़ो, तू मिला नहीं क्या सुबह से? क्या कर क्या है भाई? जी कौन थे वो लोग? पता नहीं, भिखारी थे, बहुत परेशानी। चूरा के दिल में क्या कर रही है तू भाई? हाँ क्या हुआ भाई? आपका हाथ कहाँ है भाई? तेरी, चल भाग, आओ ना, ट्रीटमेंट करता हूँ तुम्हारा। भाई आपको कुछ नहीं होगा भाई, चलिए, टेंशन मत लीजिए भाई। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना, डॉक्टर, भाई को क्या हो गया? क्या हुआ?
ऐसे घबरा रहे हो जैसे वॉलेट चोरी हो गया हो। क्या हुआ ठीक से बताओ। भाई जब भाभी के साथ रोमांटिक बातें कर रहे थे उसी समय उनका हाथ कट गया डॉक्टर। आपके पास कुछ है तो लगा दीजिए। क्या लगा दूं? अब वही हाथ डॉक्टर। अरे भाई ये कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान नहीं है, हॉस्पिटल है। और तुम इतनी चोट के बाद फ्रिज में रख के ठंडे बॉटल की तरह कूल खड़े हो, इन्हें दर्द नहीं होता क्या? भाई भाई मुंह के अंदर क्या है? ओ कर रहा है। शांत शांत शांत, ये कोई पक्का प्रोफेशनल है, एनेस्थीसिया देकर इसका हाथ काट कर लेकर चला गया। भाई का हाथ काटने वाला है कौन? हेलो डॉक्टर कबाली। डॉक्टर आपके सामने कोई भैंसे टाइप का आदमी खड़ा होगा, देखिए वो कौन है जानते हैं डॉक्टर? फिलहाल तो मेरा पेशेंट है। यही तो आपने गलती कर दी डॉक्टर, वो मोस्ट वांटेड चेन स्नेचर है डॉक्टर, वो औरतों की चेन खींच कर भाग जाता है। वो किसी भी औरत के गले में चेन नहीं देख पाता। अभी उसका एक हाथ मेरे पास है। हाथ तुम्हारे पास कैसे आया? वो हमें ढाबे में मिला डॉक्टर। ढाबे में मिला? मेरी बात सुनिए, अगर वो अपने सारे गुनाह मीडिया के सामने आकर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो? अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा बता दे। अगर नहीं मानता है तो हम हाथ गन्ने के मशीन में डाल देंगे, उसकी खिचड़ी बना के कुत्तों को खिलाने के लिए डाल देंगे। नहीं नहीं जाने दो जाने दो। वैसे तुम लोग हो कौन? लड़कियों की हिफाजत करने वाले, लड़कियों को बचाने वाले। ए डायलॉग हिट है ना, सुपर। अब डील ओके है ना डॉक्टर? डील ओके डील ओके। सर किससे बात की है? सर तेरे लिए गुड न्यूज है, जिसने तेरा हाथ काटा उसका ही फोन था। जो भी तेरे पाप है अगर वो तू मीडिया के सामने मानता है तो तेरा हाथ तुझे दे देगा। अगर नहीं माना तो? अरे कट करने के 2 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो कोई भी नस काम नहीं करेगी, सारी लाइफ सिंगल हैंड से काम चलाना पड़ेगा, समझ गए? मान लो भाई। कौन है बे जिसने मेरा हाथ काटा? डॉक्टर मेरे भाई पे हाथ उठाया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अफजल है, मैं अब तक 630 चेन खींच चुका हूँ, ये मैंने किया है पर करवाया है भाई माणिक ने। वैसे आपका हाथ कहाँ है? डोंट वरी ऑन द वे है, दूसरे आदमी लेकर आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स आ गए, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है डॉक्टर। डॉक्टर अब हमारी तरक्की हो रही है, कितने लोग हैं ना? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही। आ जाओ चलो ऑपरेशन थिएटर में चलो। चलो कुछ तो करो डॉक्टर, हाथ नहीं होंगे तो खाना कैसे खाऊंगा। पीला कलर? हाँ हाँ बोलो। तुम्हारा कौन सा हाथ है? राइट हैंड। राइट हैंड? अरे पीला कलर का राइट हैंड है क्या, देखना जरा। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाइट फुल शर्ट तेरा, लेफ्ट हैंड है क्या? हाँ ये रहा। हाँ हाँ चलो तुम लोग के हाथ मिल गए। मेरे हाथ की पहले उंगली में एक सोने की रिंग थी। उंगली में कोई रिंग पहने हुए हाथ है क्या? उंगली में रिंग पहना हुआ हाथ? ऐसा यहाँ कोई हाथ नहीं है डॉक्टर। हमारे पास हाथ तो है लेकिन रिंग नहीं है। रिंग नहीं है रे पर हाथ तो है ना। चलेगा। सबके हाथ हमारे पास है, हम ही काट काट कर लेकर आए थे, सबके सब फ्रिज में सेफ है। अगर वो अपनी गलतियाँ मानते हैं तो सारे हाथ उनको वापस कर देंगे, उन्हें मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम लोग के हाथ उसी के पास है, क्या तुम लोग अपनी अपनी गलतियाँ मीडिया के सामने मानोगे? अरे जल्दी करो ना, सुई में धागा डाल रहा हूँ ना। अरे कितनी देर लगाएंगे सर, ये एक्सप्रेस ट्रीटमेंट है। ए बटले ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ आइसक्रीम नहीं चाहिए। आइसक्रीम नहीं लाया? अरे ये, अरे इसका राइट हैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड नहीं। अरे जो भी है लगा दो डॉक्टर। दो लेफ्ट हैंड लेके क्या करेगा डॉक्टर, ये हाथ उसका नहीं इसका है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ले लो वो मुझे दे दो। ओके ए पकड़ जोर से। क्या रे औरतों की चेन खींचते वक्त बहुत मजा आता था ना। डॉक्टर डॉक्टर मेरा हाथ मिल गया डॉक्टर, जल्दी से लगा दीजिए डॉक्टर, उसके बाद जल्दी से लगा दीजिए। ए ए ए रुको, ये पकड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी करो सर, खुद ही सिल लो। अरे तूने मेरा हाथ नहीं लगवाने चाहिए। शहर के चैन स्नैचर्स ने मीडिया के सामने खुद अपना गुनाह कबूल किया। अभी तक मैंने 130 लोगों की चैनें चुराई हैं, ये सब माणिक भाई ने करवाया है। ये सब हमने अपने मर्जी से नहीं किया सर, ये सब वो माणिक करवाता है। इतना सब कुछ बाहर होने के बाद भी इनका लीडर माणिक अभी तक बाहर नहीं आया है। इन चोरों का पर्दाफाश करने में पुलिस की अहम भूमिका है, ऐसा लोगों का कहना है। अरे वाह क्या बात है। अरे एसपी सर का फोन। सर लाइफ में फर्स्ट टाइम डायनामिक ड्यूटी की है तुमने। हा? मैंने 1 वीक का टाइम दिया था, तुमने 1 दिन में खत्म कर दिया। हा?
रियली आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर, अगर आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो मैं यहाँ से क्राइम का नाम और निशान मिटा दूंगा। यस यस, गो अहेड गो अहेड। थैंक यू सर। किसी और के मोबाइल का रिचार्ज आज मेरे मोबाइल में आ गया। ये तो ऐसा हुआ कि बिना कुछ किए आप एक बच्चे के बाप बन गए, कमाल हो गया। वैसे सोचो आखिर ये काम किया किसने होगा। सुनो ना, मुझे वो चाहिए। पप्पू? हाँ? बेटा पप्पू। पापा, हनी मेरे पापा आ गए, भागो जल्दी। हे, तू बाहर क्यों आ गया? मैं बाहर आया नहीं हूँ सर, बुलाया गया हूँ। मैंने आपका कितना काम किया और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर आपने मेरे आदमियों के साथ ऐसा क्यों किया? अरे भाई, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। थोड़ी देर पहले एसपी साहब मेरी तारीफ कर रहे थे, अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो मैं नौकरी से हाथ धो बैठता। मुझे सब पता है सर, मेरे आदमियों का हाथ काटने वाला, मीडिया के सामने मेरी पोल खोलने वाला, वो सब आपका डिपार्टमेंट है सर। अरे कौन है वो लोग? और कौन, वही बच्चे लोग, कांस्टेबल राम और उसका चेला कमलू। बाप रे। और एक बात सुनिए, आपको अपने बेटे के अंदर कोई बदलाव दिखा क्या? अरे कोई मामूली बदलाव नहीं दिखा, वो अब नारी को छोड़ के नर पे फिदा हो गया है। ये सब भी उसी की वजह से हुआ, उसने 4 कैदियों से आपके बेटे का रेप करवाया है। तभी से आपका बेटा लड़कियों को देखना छोड़ के लड़कों को देखने लगा है। बाप रे। आपकी वाइफ पे हाथ उठाने वाला कोई चड्डी गैंग नहीं था, भेष बदल के इन्हीं लोगों ने मारा है। इतना करने पे भी हम उसे छोड़ दें? पता है ना, बकरी के पेट से बकरी ही पैदा होती है, लेकिन यहाँ पे इस बार लोमड़ी पैदा हो गई है। सुन ले माणिक, सेम स्पॉट सेम प्लान। मिस्टर भूपेंद्र। सर। माणिक कहाँ मिलेगा इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, एसपी साहब की परमिशन भी मिल गई है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में तुम्हें सर, माणिक मिल गया है सर। एनकाउंटर, ऐसी कुछ बातें मैंने सुनी है सर। ये यूनिफॉर्म मैंने माणिक को मारने के लिए पहनी है सर। एनकाउंटर में मुझे भी शामिल करेंगे तो मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी सर, प्लीज सर। राजा, हम मारेंगे तो ड्यूटी और तुम मारोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे मारने का हक हमसे ज्यादा तुम्हें है राजा। थैंक यू सर। सर सर, मैं भी जाऊंगा सर, मैं भी जाऊंगा सर। सर सर, मैं भी बंदर की तरह क्यों नाच रहा है? सर, शिव प्रसाद जी इसके फादर थे तो मेरे गॉड फादर थे सर, मुझे एक मौका दे दीजिए सर, मैं भी जाऊंगा सर। कमलेश कुमार, हम लोग कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, एनकाउंटर के लिए जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो कोई नहीं बचेगा सर, जो होगा देख लेंगे।